आज के टाइम पे गुजरात वालों के बाद एक कन्नड़ा वाले ही हैं जो जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहाँ फाड़ डाल रहे हैं। झूठ बोल रहा है। और अगर डायरेक्टर का विजन सॉलिड हो तो फिल्म को 500-600 करोड़ के बजट की जरूरत नहीं पड़ती, बस फिल्म को दिखाना आना चाहिए। सो गाइज, विक्रांत रोड़ा का ट्रेलर आ चुका है जिसका बजट 87 करोड़ बताया जा रहा है। और तारीफ करनी होगी डायरेक्टर अनूप भंडारी जी की, जिन्होंने एक लिमिटेड बजट में इतनी अच्छी तरीके से फिल्म को बनाया है जो वाकई काबिले तारीफ है। और सस्पेंस क्रिएट करने में तो ये चैंपियन है। फिल्म का ट्रेलर इतनी चालाकी से बनाया है कि फिल्म किस बारे में है, इसकी कहानी क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अगर यकीन ना हो तो रंगी तरंगा नाम की एक फिल्म है, उसे इन्होंने ही डायरेक्ट किया है, एक बार देख लेना, यूट्यूब पे ही मिल जाएगी विद हिंदी डबिंग। अब आते हैं फिल्म पे। फिल्म के विजुअल भी बहुत दमदार हैं और फिल्म की वाइब्स भी अच्छी लग रही है, बीजीएम भी सही लग रहा है, ओवरऑल म्यूजिक में फील है। अगर बात करें ट्रेलर की तो ये आपको वैन हेल्सिंग मूवी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी और अनचार्टेड गेम की याद दिला देगा। और किच्चा सुदीप सर ट्रेलर में काफी एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लड़ाई वड़ाई करते दिख रहे हैं। अब ट्विटर पे वो पहले से ही नेट प्रैक्टिस तो करके ही आए हैं, समझ रहे हो ना। ट्रेलर शुरू होता है एक गांव से, जहां नरेटर बताती है कि गांव में लोग एक डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं और एक पुलिस वाला भी मारा गया है। कई सारे वाइड एंगल शॉट्स आते हैं, गांव में कोई उस डर के बारे में बात नहीं करता, लोग उससे डरते हैं। लेकिन एंट्री होती है हीरो की जो पुलिस वाला है, लेकिन पोस्ट तो हमको पता नहीं है क्योंकि क्लियर बताया नहीं गया है। फिर इसके बाद वो लोग गांव को एक्सप्लोर करते हैं, फिर बैकग्राउंड में आवाज आती है शायद सल्लू भाई की, क्योंकि उन्होंने हिंदी वाला ट्रेलर लॉन्च किया है। फिर आवाज आती है द रियल गेम बिगिंस नाउ। इसके बाद तो स्लो मोशन पे स्लो मोशन एक्शन सीन दिखाया जाता है, बंदे उड़ रहे हैं, बाइक घसीटी जा रही है, बारिश हो रही है, भाले चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। और फिल्म के हैवी VFX आपके मुंह पे खींच के मार दिए जाते हैं। एक तो मूवी में पैन इंडिया वर्ड लग जाने से फिल्म का इंटरेस्ट ऐसे ही भी बढ़ जाता है। बाहुबली से फेमस हुआ यह वर्ड हर दूसरी फिल्म पे जाके चिपक गया है, और विक्रांत रोड़ा भी उन्हीं में से एक है। वैसे ये पहली ऐसी कन्नड़ा फिल्म है जिसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 10 करोड़ में बिके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विक्रम और चाली जैसे क्या ये फिल्म भी नॉर्थ में पब्लिक को थिएटर तक लाने में फेल हो जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।